खाद की कमी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार खाद को लेकर राजनीति कर रही है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन खुले बाजार में खाद मिल रहा है। कांग्रेस सरकार खाद की कालाबाजारी को कम करने के बजाय बढ़ावा दे रही है। बीजेपी के 15 साल के शासन में कभी खाद की कमी नहीं हुई। प्रदेश में हम देख रहे हैं कि किसानों के खाद की जो आवश्यकता, और इसको लेकर के कांग्रेस की सरकार यहाँ राजनीति कर रही है। लगातार अलग अलग जिलों से धरना प्रदर्शन, और लगातार किसान उसमें परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाजार, खुले बाजार में खाद की उपलब्धता आखिर ये किस बात को दर्शित कर रही है? यूरिया, खास करके डीएपी में कालाबाजारी को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन, और हम पिछले गर्मी में भी देखे हैं, उसके पहले देखे कि लगातार ब्लैक मार्केटिंग हो रही है।